हेलो फ्रेंड, यूजीसी नेट क्रैकर यूट्यूब चैनल में यह वीडियो बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना से विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु दिनांक 4/5/2021 से 24/5/2021 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान 9,300 से 34,800, पे बैंड सेकेंड पे यानी ग्रेड पे 5,400, सातवें पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला के अनुसार है। इसके अलावा आपके पास 3 साल 5 साल का अनुभव है और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी या डिप्लोमाधारी विशेषज्ञ चिकित्सक है तो आपके लिए 6,600 रुपये दे होगा और PB3 लगेगी, यानी PB3 6,600 रुपये दे होगा। रोस्टर के अनुसार आरक्षण कोटिवार विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों के बारे में जानकारी मैं बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो हमारा पद है वो विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी स्त्री के लिए है, जिसमें महिलाओं को लिए 35% क्षैतिज आरक्षण है, तो कुल पद 641 है और आरक्षण में 189 पद है। इसी तरह विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी माइक्रोबायोलॉजी में कुल पद 18 है और आरक्षण में 5 पद महिलाओं के लिए है। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी में फिजिशियन के लिए कुल पद 307 है और आरक्षण में महिलाओं के लिए 88 पद है। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी शिशु रोग में कुल पद 635 है और 35% आरक्षण में महिलाओं के लिए 186 पद है। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी ENT के लिए कुल 111 पद है और 35% आरक्षण में महिलाओं के लिए 33 पद है। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी नेत्र रोग में कुल पद 75 है, 35% आरक्षण में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण में महिलाओं के लिए कुल 25 पद है। पैथोलॉजी में कुल 86 पद हैं और आरक्षण में 28 पद हैं। रेडियोलॉजिस्ट के लिए विशेषज्ञ, ये सारे विशेषज्ञ के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी में रेडियोलॉजी के लिए कुल 188 पद हैं, जिसमें 35% आरक्षण में 55 पद महिलाओं के लिए है। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी मनोचिकित्सक के लिए 16 पद हैं और 35% आरक्षण में 4 पद हैं महिलाओं के लिए। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी मूर्छक में 935 पद हैं और 35% आरक्षण में 274 पद महिलाओं के लिए हैं। चरम रोग यानी विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी चरम रोग में कुल 84 पद हैं, 35% आरक्षण में 21 पद महिलाओं के लिए है। जनरल सर्जरी यानी विशेषज्ञ चिकित्सा पद अधिकारी जनरल सर्जरी में कुल 568 पद हैं और जिसमें 35% आरक्षण में महिलाओं के लिए 164 पद हैं। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी हड्डी रोग के लिए 42 पद हैं, 35% आरक्षण में महिलाओं के लिए 12 पद हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि यह सूचना सबके पास पहुंच जाए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है इससे संबंधित डिटेल जानकारी आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या लगेगा और कितना क्वालिफिकेशन है, क्योंकि सारे मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा मैं मेन पॉइंट इसमें मैं बता देता हूँ। मैं देखता हूँ कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए,
तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जात जनजात के लिए 42 साल है और पिछला वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल है। इसके अलावा भी और डिटेल जानकारी इसमें दिया है जो आप देख सकते हैं। जो मेन है, जो सबसे ज़रूरी है कि MBBS के प्रतंग के लिए 60 अंक निर्धारित है, स्नातोत्तर से स्नातक डिग्री या DM यथा DM या MCH एवं समकक्ष डिग्री के लिए 15 अंक है और अनुभव के लिए जो है वो 25 अंक डिसाइड किया गया है। इस तरह से कुल 100 अंक हैं। इसके बाद इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या जानकारी दिया हुआ है जो महत्वपूर्ण है। तो आरक्षण से संबंधित जानकारी इसमें शेड्यूल कास्ट दिया है, जो जानकारी आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो आवेदन शुल्क लग रहा है उसके लिए, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 50 रुपये शुल्क है। अनारक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 50 रुपये शुल्क है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे किसी भी वर्ग या महिला पुरुष हो, उनके लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि यह वीडियो सबके पास पहुँच जाए और लाइक कीजिए। और अभी तक UGC NET क्रेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल नोटिफिकेशन